भारत और पाकिस्तान के बीच 16 जून को वर्ल्ड कप मैच खेला जाना है। इससे दो दिन पहले ही पाक क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा कि हमें भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मनी ने कहा कि हम भारत के साथ क्रिकेट संबंध शुरू करना चाहते हैं, लेकिन यह सभ्य और सामान्य तरीके से होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जनवरी 2013 से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई। हालांकि कुछ बहुपक्षीय सीरीज वनडे टी20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों ने मैच खेले हैं। वीमेन चैंपियनशिप के लिए भारत जाएगी पाक महिला टीम। अनी ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान की महिला टीम इस साल नवंबर में भारत में होने वाली आईसीसी वीमेन चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें भारत को यह समझने में आसानी होगी कि दो चिर प्रतिद्वंदी टीमों के बीच द्विपक्षीय सीरीज कब रखी जा सकती है। सितंबर में श्रीलंका करेगी पाकिस्तान का दौरा। पीसीबी चीफ ने इस साल पाकिस्तान की मेजबानी योजनाओं पर भी बयान दिया। उन्होंने बताया कि श्रीलंकाई टीम सितंबर में दो टेस्ट के लिए पाकिस्तान आएगी। यह सीरीज आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। मनी ने कहा कि पाक में सुरक्षा जैसे मामलों में काफी सुधार हुआ है, इसलिए हम जल्द से जल्द क्रिकेट खेलने वाले देशों की मेजबानी करना चाहते हैं। पाकिस्तान की टीम अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी करेगी, जहां दोनों के बीच टेस्ट और वनडे मैच खेले जाएंगे।